यमुनानगर के कैंप इलाके में बुधवार देर रात कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और साथ ही एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। उन दबंगों के डर से लोग अपने अपने घरों में घुस गए। स्थानीय लोगों की माने तो करीब रात के 9 बजे कुछ दबंग युवक इनके घरों के बाहर झगड़ा कर रहे थे और जब इलाके के लोगों ने उनके बीच बचाव कर झगड़े को खत्म करने की कोशिश की तो उन्होंने बीच बचाव करने गए एक शख्स पर हमला कर दिया जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आई। इस घटना के बाद मौके पर बदमाशों के और भी ज़्यादा झुंड पहुंच गए, उनके और भी साथी पहुंच गए। इसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को आते देख बदमाश भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने लोगों के बयान दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है और जाँच में जुट गई है। जिस टाइम 9 बजे उन्होंने हमला कराया, इनको चोटें मारी, ये अपना मेडिकल कराया ने सिविल में जाकर। उसके बाद रात को 11:30-12 बजे फिर आए, वो 40-50 लड़के थे जिन्होंने उन्होंने लोगों के यहाँ पर मीटर वगैरह खिड़की वगैरह तोड़े हैं। कुछ एक लड़की आए उसको उठाने की कोशिश करी, फिर हमने यहाँ 100 नंबर पर फ़ोन करा, चौंकी में फ़ोन करा। जिप्सी आने के बाद जिस टाइम उन्होंने देखा भाई जिप्सी आ रही है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो छोड़ के यहाँ से भाग गए।